याद होता है कर्तव्य। अच्छे अच्छे लोगों के सामने अनेक बार कर्तव्य का चयन करते समय द्विधा की स्थिति निर्माण हो जाती है। धर्म और अधर्म, इन दोनों में से किसका चयन करना, इसका निर्णय आसान है। कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि धर्म और अधर्म में चयन करना है तो धर्म का ही चयन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी दो धर्मों में संघर्ष हो जाता है। प्रश्न वहां पर खड़ा होता है। भगवद गीता में अर्जुन के सामने जो प्रश्न खड़ा है वो धर्म को चुने कि अधर्म को चुने, ये प्रश्न नहीं है। धर्म और अधर्म में चयन करना है तो धर्म का ही चयन करना चाहिए। अर्जुन इतना बुद्धिमान है, स्वयं है, अर्जुन कोई सामान्य थोड़ी है। लेकिन दो धर्म सामने खड़े हो गए, एक व्यक्ति धर्म और एक समाज धर्म। भगवद गीता के प्रथमाध्याय में अर्जुन के सामने जो प्रश्न खड़ा है वह दो धर्मों के भीतर का संघर्ष। मैं क्षत्रिय हूं इसलिए युद्ध करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं द्रोणाचार्य जी का शिष्य हूं, मैं भीष्म का पोता हूं। आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मारना मेरा धर्म नहीं है। एक व्यक्ति धर्म है, एक समाज धर्म है, चयन यहां पर करना होता है, विवेक की परीक्षा यहां पर होती है। भगवती जिदा माता के सामने भी तो यही बात है। व्यक्ति धर्म के रूप में उसका अपने पति के साथ सहगमन करना परंपरा के अनुसार उसे श्रेयस्कर लगता है, लेकिन राष्ट्र धर्म की आवश्यकता क्या है? पूरे भारत में सर्वत्र अंधकार था मित्रों, सर्वत्र अंधकार था। एक माई का लाल इन मुगलों के विरोध में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय ये छोटा शिवा 15 वर्ष की अवस्था में प्रतिज्ञा करता है, इन सारे यवनों को नष्ट करके रहूंगा, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके रहूंगा। 15 वर्ष की अवस्था, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना है कठिन। शिवाजी महाराज केवल शपथ लेकर के नहीं रहे, उसके पश्चात का उनका एक एक घंटा आप जान लीजिए कैसे व्यतीत हुआ है। कल हमने देखा था अफजल खान का वध करने के पश्चात 15 दिन के लिए रेस्ट करने चले जाते कहीं हिल स्टेशन के ऊपर, तो कौन क्या कहता। कोई भी यही कहता कि आराम थोड़ा चाहिए कि नहीं। इतना बड़ा भयंकर तनाव वाला, टेंशन वाला कांड था यह अफजल खान का। पूरा महाराष्ट्र सकते में था, तनाव में था। उस कार्य का संपादन करने के पश्चात महाराज आधी रात में निकल गए अगली मुहिम के लिए। इट्स वंडरफुल, अनइमेजिनेबल, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन दैट इज शिवाजी। कर्म देखा उसी रात्रि में महाराज निकल पड़े, क्योंकि उनको पता है कि इस समय की अफरा तफरी का लाभ उठाया जा सकता है। सारा समाज, सारा प्रदेश संभ्रमावस्था में, क्या करना चाहिए किसी को पता नहीं है, और अभी सारा काम हो सकता है।
25 दिनों के भीतर उन्होंने 19 किले जीत लिए, 25 दिनों के भीतर। शपथ लेना तो कठिन है, सरल है, पर निभाना है कठिन। शिवाजी महाराज ने केवल शपथ ली नहीं मित्रों, निभा करके दिखाई, अंतिम दिन तक निभा करके दिखाई। ये अगले पीढ़ी के शिवाजी तैयार करने के लिए ही कथा है। जया माता को इस बात का पूरा पता है कि शिवाजी की वो आराध्य देवता है। शिवाजी जितना सम्मान अपनी मां का करते हैं उतना जीवन में किसी का नहीं किया। सच्चे मातृभक्त है शिवाजी। मां ने उनको घड़ा, जया माता के भी मन में ये आए बिना कैसे रह सकता है कि मेरे चले जाने का बहुत बड़ा परिणाम शिवा के मन के ऊपर हो सकता है, और इसके मन के भीतर यदि कमजोरी निर्माण हो गई तो राष्ट्र का कार्य रुक जाएगा, वो नहीं रुकना चाहिए। इसलिए मुझे दुख से भी क्यों न हो, एक तप के रूप में क्यों न हो, मेरा जीवन धारण करना चाहिए। मां ने अपना जीवन धारण किया। विधि पूर्वक सारे क्रियाकर्म किए गए। श्रद्धा मये न मनसा द्विजसा चकार वेदोक्त धर्म विधिनिष्ठ मति शिवाजी। वेदोक्त धर्म विधिनिष्ठ मति शिवाजी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह बात सर्वदा वेदों से पूछो। जो जो वेदों ने कहा वही धर्म है। अपनी बुद्धि में कभी कभी वेद विद्या के किसी अंग के बारे में तर्क भी खड़ा हो जाए तो भगवान आचार्य कहते अपने तर्क को वेदों के अनुकूल बनाओ। श्रुतिमतस तर्कोनुसंधीयताम। वेदों से अधिक अकल अपने को है ऐसा भाव मन में कभी आना भी नहीं चाहिए। एक बार एक उत्सव में ऐसा हुआ, मैं वहां पर प्रमुख अतिथि था और एक गीत गाया जाने लगा, मराठी बात गीत है, वेद मंत्रा हू नामा वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम का मंत्र में वेद मंत्रों से भी अधिक वंदनीय है। मैंने कहा भाई रुको, यहां मैं बैठा हूं, वेद मंत्रों से अधिक वंदनीय मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम अपने गीत को बदल लो, वेद मंत्रा तुल्य आमा वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम हमें वेद तुल्य है ऐसा कहो, वेदों से भी अधिक वंदनीय देयर इज नथिंग अंडर द सन। हम सबके मन में यह बात सर्वदा होनी चाहिए। धर्म जिज्ञास्यमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। हम सबका आदर करते हैं, लेकिन वेद वेदों से बढ़कर के कुछ नहीं है, वो परम प्रमाण है। हमें गीता भी प्रमाण है, रामायण भी प्रमाण है, महाभारत भी प्रमाण है, श्रीमद् भागवत भी प्रमाण है, लेकिन ये इसलिए प्रमाण है कि ये वेदों को प्रमाण मान करके चलते हैं। इन सबका प्रामाण्य परतप प्रामाण्य है, वेदों का प्रामाण्य स्वतप प्रामाण्य है। इतना भान हमें होना चाहिए, इन ग्रंथों में गलत कुछ भी नहीं है।
हमारे संतों के वाङ्मय में भी गलत नहीं है कुछ। वेदों के ही विचार बहुत अधिक सरल करते 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 हमारा संत वाङ्मय फैल गया तो बड़ा अच्छा है। वेदोक्त धर्म विधिनिष्ठ मति शिवाजी विजापुर नरेशस्य तथा दिल्ली पतेरपि धनलक्ष्मीं जहारासौ स्थाने स्थाने दिने दिने। सूरत का प्रसंग तो एक बहुत बड़ा प्रसंग है इसलिए विस्तार से मैंने बतलाया, लेकिन शिवाजी महाराज तो औरंगजेब की कहीं से संपदा है तो वहां से, आदिल शाह की है तो वहां से, निजाम शाह की है तो वहां से, जहां कहीं से भी इन पापियों की संपत्ति लूटने का अवसर मिलता था छत्रपति ने कभी छोड़ा नहीं, उस लक्ष्मी को अपने घर में ला करके रखा, राष्ट्र कार्य के लिए रखा। एंड इट्स जस्टिफाइड टोटली। व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा से उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो जैसे रात दिन कंस विचार करता था कृष्ण का, उसी प्रकार ये आदिल शाह विचार करता है शिवाजी का, इसको कैसे बंदी बनाया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए। कितने सारे असुरों को भेजा था कंस ने गोकुल में, आदिल शाह भी इसी प्रकार खानों को भेजता है, नए नए खान, एक इल्लास खान, इखलास खान उसको भेजा, जाओ कुछ भी करो शिवाजी का पराभव करो, या उसको मारो या उसको पकड़ करके यहां पर लाओ। ततश्चाजीज खानाख्या प्रजिघे पुतनापति उत्तिष्ठमानं निर्देतुं शिवाजीं बलवत्तरम्। अरे किसी प्रकार इस शिवाजी का बल नहीं बढ़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए और भारी हो जाएगा, अभी उसको खत्म करना चाहिए। कौन कर सकता है बोलो? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, उसने पूछा था। खवास खान उठा, उसने बीड़ा उठाया और कहा निश्चित रूप से मैं या तो उस चूहे को खत्म करके आऊंगा या पकड़ करके लाऊंगा। सारी की सारी विजापुर की सभा ने खवास खान का अभिनंदन किया, वाह शाबाश, मर्द कहते इसको। आदिल शाह ने तो सिंहासन से उठकर के उसको समीप बुला करके आलिंगन देकर के उसका सम्मान किया। अब ये बात सम्मान करने जैसी थी भी, क्योंकि अफजल खान के वध के पश्चात इन खानों में बहुत शिवाजी के विरोध में खड़ा होने का उत्साह बचा नहीं था, कोई खड़ा होना नहीं चाहता था, और कुछ भी बताओ वो शिवाजी के पास मत भेजो, यही मानसिकता निर्माण हो गई थी। उसमें यह खवास खान खड़ा हुआ तो बादशाह ने उठकर के उसको आलिंगन दिया और कहा जाओ राजोपहार महासाध्य, अपना कंठा पहनाया, अपना खड्ग, अपनी तलवार उसको दी, जाओ काम पत्ते करके आओ। सारी सभा में जब ऐसा सम्मान हुआ तो खवास खान को और भी, उनकी छाती चौड़ी होना स्वाभाविक था, आज्ञा पत्र उसने लिया, घुड़सवार को शिवाजी के पास भेजा।
घुड़सवार को तो आगे भेजा, लेकिन ये चतुरंग सेना लेकर के स्वयं चला। शिवाजी महाराज उस समय मुधोड़ में थे। तत्र भोसल वंशस्य स्वातंत्र्यस्य च वैरिणम् उन्मत्तं बाजिमालोक्य दीप्त क्रोधो ब्रवीदसौ। वहां का बाजी घोरपड़े ये सर्वदा शिवाजी महाराज का द्वेष करता हुआ स्वराज्य के विरोध में खड़ा हुआ और उसने सर्वदा इन मुगलों की सहायता की। इतिहास की एक बात ध्यान में रखना मित्रों, स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहा करते थे, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे मुगलों का डर नहीं है। सावरकर जी कहते थे मुझे मुगलों का डर बिल्कुल नहीं है, ईसाइयों का तो और भी नहीं है, लेकिन हिंदू होते हुए भी जिनको हिंदुत्व का अभिमान नहीं है ऐसे पापियों का डर मुझे छलता है। हिंदू के घर में जन्म तो लिया लेकिन हिंदुत्व का अभिमान नहीं, अपने धर्म का अभिमान नहीं, अपने देश का अभिमान नहीं, अपने परंपरा का अभिमान नहीं, अपनी भाषा का अभिमान नहीं, अपनी भूषा का अभिमान नहीं। ये सच्चे राष्ट्र के वैरी है, ध्यान रखना। और यही फितूर होते हैं, ये बाजी गौर पड़े उसी प्रकार का है। हिंदू शक्ति का एकत्रीकरण हो जाए तो संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। और इसलिए जीवन में एक बात सर्वदा ध्यान में रखना, हिंदू समाज को फूट से बचाते रहना किसी भी कारण। देखो आपने नहीं पढ़ी हो तो एक पुस्तक पढ़ना, ब्रेकिंग इंडिया, ये राजीव मल्होत्रा जी की पुस्तक है। जिस दिन मैंने कनाडा में इस पुस्तक को पढ़ा उस दिन मैं सो नहीं पाया। इस देश को तोड़ने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र 150 से अधिक वर्षों से चले हैं, आज नहीं, भाषाओं को लेकर के, संप्रदायों को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, जातियों को लेकर के, दक्षिण उत्तर के भेद को लेकर के, किस किस प्रकार से किस किस प्रदेश में फूट निर्माण की जा सकती है, इसका गहरा अध्ययन विदेशियों ने किया है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ही खड़ी नहीं होती है, इसके पीछे ये सारा विदेशी होमवर्क है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये टुकड़े करने के लिए जन्मे हैं। टुकड़े करने वालों के टुकड़े करने के लिए शिवाजी महाराज जन्मे थे, ध्यान रखना। देश के टुकड़े नहीं, ये बाजी घोरपड़े उनमें से एक था। आश्चर्य की बात है, देव मंदिरों में जाकर के देवताओं की पूजा करने वाले लोग उन लोगों की सहायता करते हैं जिनका रोज का काम मंदिर तोड़ना है। इस देश की यह मूर्खता कब खत्म होगी? अब होगी।